जी, ये संकल्प फिल्म है जो हम लोगों ने शुरू किया था आजमगढ़ में, और सिर्फ गाने बचे थे जो मुंबई में करना था। तो फिल्म लगभग कंप्लीट है, बस एक दिन का और शूट है और पूरी तरह फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे लगता है डायरेक्टर साहब ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। बताइए, हमारे डायरेक्टर साहब हैं जिनके निर्देशन में ये फिल्म बन रही है। हेलो, देखिए, बहुत छोटे में स्टोरी बताऊंगा। बेसिकली एक संकल्प, जैसा इसका टाइटल है, एक पिता के लिए बेटे का एक संकल्प है इस पिक्चर में, जो मुख्य कह सकते हैं सार है उस फिल्म का। बाकी फिल्म इंटरटेनमेंट से पूरा भरा हुआ है, कॉमेडी है, इमोशंस तो हैं, क्योंकि संकल्प पिता के लिए एक बेटे का, ये एक अद्भुत बात होगी जो अलग होगी। जी, क्या इसके साथ ही जो फिल्म का ये आखिरी शेड्यूल है, इसके साथ फिल्म कंप्लीट हो जाएगी या कुछ और काम बस शूट का काम खत्म हो गया, एडिट हो चुकी है, बाहर निकलने को बस बेताब है, बस डबिंग का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। तो मैं मान के चलूं कि फिल्म बहुत जल्दी बहुत जल्दी बिल्कुल। देखिए, स्टार कास्ट में तीन तो आपको दिख ही रहे हैं, दो सुशील भाई हैं इसमें, जो दिनेश जी के अपोजिट और अपर्णा जी के पिता का रोल कर रहे हैं, और सुजान सिंह इसमें दिनेश जी के पिताजी का रोल कर रहे हैं, जो बहुत मार्मिक रोल है। भाई और भाई अर्जुन, अर्जुन ये मुख्य किरदार हैं धारा के। देखिए, हम लोग वहाँ पे इतनी गर्मी में शूट करते तो वो रौनक चेहरे का नज़र नहीं आता, और यहाँ पे सुकून से कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ताजगी चाहिए इन गानों में वो पूरी मिलेगी। काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस फिल्म को करने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी पूरी टीम का, राजघराना प्रोडक्शन का, दिनेश सर का, अशोक सर का। बहुत मज़ा आया ये फिल्म करके, और आज हमारा इस मूवी का लास्ट शेड्यूल है और आखिरी दिन है, तो थोड़ी सी इमोशनल भी हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं दर्शकों से यही बोलूँगी कि ज़रूर देखिएगा आप इस फिल्म को, बहुत कुछ है इस फिल्म में। एक बहुत ही, जैसे कि सर ने बताया, एक पिता और एक बेटे की कहानी है, लव स्टोरी भी है, और अच्छे अच्छे गाने देखने को मिलेंगे। तो बस इतना प्यार बनाए रखिए, देखिए। डेफिनेटली मैं पर्सनली सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इनसे सीखा है बहुत कुछ, थ्रू आउट मूवी में सीखा है। और जहाँ तक आपने बोला कि सोचा था, तो सोच के तो मैं आई थी कि ज़रूर सर के साथ मैं काम करूँगी, और बहुत ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ मैं कि बहुत जल्दी मुझे करियर के अर्ली टाइम में ही सर के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो सर एक बहुत अच्छे एक्टर है, एक वर्ड में नहीं बता पाऊँगी, तो दो तीन वर्ड्स और सेंटेंस में बता पाऊँगी। सर एक बहुत अच्छे एक्टर है, एक बहुत अच्छे इंसान है, और एक बहुत ही फैंटास्टिक को एक्टर है। क्योंकि जब मुझे था कि मुझे दिनेश सर के साथ काम करना है, तो आई वॉज ऑफकोर्स लिटिल बिट नर्वस कि आई डोंट नो व्हाट्स गोना बी हैपन एंड क्या होगा। बट जब पहला ही शॉट हुआ तो बहुत कंफर्टेबल थे, और जो गलतियां होती थी तो सर ने भी बहुत बारी बताया कि बेटा आप इसको करो, तो कंफर्टेबली पूरी मूवी कैसे निकल गई पता नहीं चला। ये राजघराना फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर की तरह फिल्म बनाए, और फिल्म का नाम है संकल्प, सब बाकी जानकारी आपको मिल गया। इसके निर्माता हैं आदरणीय आदित्य झा जी, जो भी सेट पे उपस्थित नहीं है। फिल्म कंप्लीट हो गई है, बहुत जल्द रिलीज होगा, सिर्फ गाने बचे थे और सर का कुछ डबिंग बचा, और जल्दी हम लोग कर लेंगे। दिनेश भाई, अभी इलेक्शन रिजल्ट्स को हार्डली एक दो हफ्ते ही हुआ है, और आपने बहुत मेहनत की, 45 डिग्री में आप लगातार 40-50 दिनों तक प्रचार कर रहे थे, उसके बाद जैसे रिजल्ट आए फिर से आप फिल्मों की तरफ वापस आ गए, थोड़ा और रेस्ट कर लेते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे जो मेरा पहला काम है वो तो यही है, और चूंकि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजघराना फिल्म्स को भी और हमारे डायरेक्टर साहब को भी, कि जैसे ही चुनाव अनाउंस हुआ उन्होंने अपनी फिल्म वहीं रोक दिया,
कि कोई बात नहीं, अब हम चुनाव बाद काम कर लेंगे। तो मैं तो इसके लिए पहले से शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने अवसर दिया मुझे और मैं वहाँ पे जो मेरा काम था मैंने किया। और उसके बाद मेरा सबसे पहला दायित्व यही था कि चुनाव ख़त्म होने के बाद रिजल्ट कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे ये मूवी कंप्लीट करनी थी, क्योंकि मूवी में इतना सारा पैसा लगा हुआ है, सिर्फ 3 दिन के काम के लिए फिल्म रुकी हुई है। तो ये तो हमारा पहला दायित्व है कि पहले हम इसको पूरा करें। और दूसरी बात, जो मेरी पार्टी भी है, जो मेरे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो लोग भी मुझे यही कहते हैं कि आप अपना काम पहले करिए, उसके बाद आपके पास जो समय बचता है वो समय क्षेत्र में भी दीजिए, पर पहला जिम्मेदारी आपका अपना काम ही है। तो अगर हम आजमगढ़ में भी रहते तो वहाँ फिल्में पहले हम करते हैं और उसके बाद जो भी समय बचता है वो हम जनता को देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनका भी काम करते हैं। Thank you.